हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एलिजाबेथन एज के राइटर्स का डिस्कस कर चुका हूं और फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको देता हूं और संभवतः मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल इसमें अगर नहीं होता है तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा। देखिए, इसका जो लाइफ स्पैन है वो 1564 टू 1616 ये इसका लाइफ स्पैन। फ्रेंड्स, इसे विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन और एक्टर ऑफ एक्टर एंड रेनेसा प्लेराइट। और प्रिंस ऑफ पोइट्स और किंग ऑफ ड्रामा टिस्ट। तो देखिए, इनको हम इतने एडजेक्टिव्स को जोड़ सकते हैं, बार्ड ऑफ एवन कह दीजिए, एक्टर और एंड रेनेसा प्लेराइट कह सकते हैं, प्रिंस ऑफ पोइट्स कह सकते हैं, किंग ऑफ ड्रामा टिस्ट कह सकते हैं। अब देखिए, इनका जो जन्म है, इनका जन्म ऑन 23 अप्रैल 1564 को हुआ था स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन इन द कंट्री ऑफ वारविक शायर। इनका जन्म स्ट्रेटफोर्ड में हुआ था। अब देखिए, यहां पर ये तो टीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है ऑन या अपॉन, तो यहां स्टार्ट फॉर ऑन एवन आपको यूज करना है। उसके बाद इनका जो बैप्टाइजेशन था, नामकरण रखा गया, तो वो 26 अप्रैल 1564 को एट होली ट्रिनिटी चर्च, होली ट्रिनिटी चर्च में इनका बैप्टाइजेशन हुआ था और इसे हम पैरिश चर्च भी बोल देते हैं। अब क्या, इसके बाद जैसा का अब तीसरे दिन इनका बैप्टाइजेशन हो रहा है, तो ये देखिए, एज इट वाज कस्टमरी टू बैप्टाइज चिल्ड्रन ऑन द थर्ड डे आफ्टर बर्थ
जैसा का ये तीसरे दिन नाम रखने की प्रथा थी। इसके बाद अब हम लेते हैं इसमें एबन एबन इज द नेम ऑफ द रिवर। अब स्ट्रेट होल्ड उसके गांव का नाम है। स्ट्रेट होल्ड ये उनके गांव का नाम है जो सराउंडेड बाय फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन कास्टल ऑफ वार्विक एंड कास्टल ऑफ किलकॉल मैन। कभी कभार आपको ऐसा भी मिल सकता है, जैसे कि आप डब्ल्यू जे लॉन्ग की बुक में देख सकते हैं, ऑथेंटिक बुक है, तो ये यहां पर रोमन ओल्ड रोमन कैंप्स भी थे या रोमन कैंप्स भी थे। तो ये गांव फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से और इस कास्टल से और इस किलकॉल मैन कास्टल से और रोमन कैंप से, है ना, थ्री साइड से ये विलेज घिरा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम लेते हैं कि वह ही वाज द थर्ड सन ऑफ जॉन शेक्सपियर शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। तो मैरी आर्डन और जॉन शेक्सपियर के ये तीसरी संतान थी, तीसरे पुत्र थे। अब फ्रेंड्स ये जॉन शेक्सपियर जो थे, इनके जो फादर शेक्सपियर थे, ये फार्मर के सन थे, सन ऑफ फार्मर फ्रॉम नियर बाई विलेज ऑफ स्नटरफील्ड। ये इस गांव के रहने वाले थे। कौन? ये विलियम शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर। और ये स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में, स्ट्रैटफोर्ड गांव में, ये यहां पर 1551 में आकर के बस गए थे। 1551 में ये यहां पर बस गए थे और इन्होंने अपना यहां व्यापार शुरू कर दिया था। अपना जो भी अपना काम था वो अपना काम शुरू किया था। और इनकी जो मां थी मैरी आर्डन, जिनका आप नाम देख रहे हैं, तो ये जो इनकी मां थी, ये इनकी मां रिलेटेड टू एन ओल्ड वार्विक सायर फैमिली ऑफ मिक्स्ड एंग्लो सैक्सन एंड नॉर्मन ब्लड। तो नॉर्मन ब्लड। इसके बाद फ्रेंड्स अब इनके हम चलते हैं कि जब ये विलियम शेक्सपियर 7 वर्ष के थे, 64 में जन्म होता है, इट मींस 71 की बात होगी, 71 की बात होगी,
तो जब 7 वर्ष के थे तो इन्हें स्ट्रेट फोर्ड में जो ग्रामर स्कूल था जिसका नाम था ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेट, इसमें इन्हें 7 वर्ष के एज में भेजा गया। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यहां पर इन्होंने स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक, और इसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये बेन जॉनसन ने लिखा है। उसके बाद इनकी शादी, इनका इनकी जो मैरिज थी, इनकी मैरिज एन हैथवे से एन हैथवे से 1582 में, जब ये 18 वर्ष के थे तो इनकी शादी कर दी गई। और एन हैथवे जो थी उस समय 26 ईयर्स की थी, तो ये 26 साल की थी और 18 साल के थे, तो इट मींस सी बार 8 ईयर्स सीनियर टू शेक्सपियर, तो ये 8 वर्ष बड़ी थी विलियम शेक्सपियर से। और इनकी शादी के 5 मंथ एंड 3 वीक्स, 5 मंथ 3 वीक्स के बाद ही इनके बेटी का जन्म होता है, उसका नाम सुसाना। सुसाना का जन्म होता है और फिर 2 फरवरी 1585 में इनके ट्विंस पैदा होते हैं, और ट्विंस थे हेमनेट और जुदित एंड जुदित। ये बेटा और ये बेटी थी, ट्विंस थे। तो ये हेमनेट की जो डेथ थी, 11 वर्ष के थे हेमनेट, तो 11 वर्ष में ही इनके बेटे की डेथ हो जाती है 1596 में, इनके बेटे की डेथ हो जाती है। और जुदित फिर सुसाना की शादी थी, लेकिन कॉज नहीं मालूम है कि किस कॉज से 1596 में डेथ कैसे हुई, ये कोई कॉज नहीं है, किसी को कोई रिवील नहीं करती है, कोई किसी ने ओपन नहीं किया है कि किस प्रकार से हेमनेट की डेथ हुई थी। और जो सुसाना की जो मैरिज थी, फिर उन्होंने 1607 में सुसाना की शादी जॉन हॉल से की थी, जो एक फिजिशियन थे। और जो है जुडिथ थी, इनकी बेटी जुडिथ की शादी इन्होंने थॉमस क्विंसी से, क्विंसी से जस्ट बिफोर 2 मंथ्स ऑफ शेक्सपियर्स डेथ, तो शेक्सपियर की डेथ के ठीक 2 माह पहले इसकी शादी थॉमस क्विंसी से की गई थी। और फ्रेंड्स, इसके बाद आप
जैसा कि विलियम शेक्सपियर के लाइफ से अनुमान लगाया जाता है कि विलियम शेक्सपियर के जो माता पिता थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे डब्ल्यू जे लॉन्ग की बुक हमें बताती है तो उनके पिता ये भी कहते हैं कि डब्ल्यू जे लॉन्ग ने ये भी डिस्कस किया है, ऐसा डिस्कस करके दिया है कि उनके पिता तो कुछ पढ़े लिखे थे और उनकी जो मां थी मैरी आर्डन वह बिल्कुल पढ़ी नहीं थी। तो उनकी जो साइन मिलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में साइन मिलते हैं, तो जॉन शेक्सपियर के जो साइन मिलते हैं वो जॉन शेक्सबर्ग और जॉन मैरी सेक्स पर होना चाहिए, सेक्स पर, सेक्स पर। तो जॉन सेक्स पर और जॉन और मैरी सेक्स पर, जॉन सेक्स पर और मैरी सेक्स पर के नाम से उनके साइन मिलते हैं। उसके बाद अब उनकी जो डेथ हुई तो इनकी डेथ 23 अप्रैल को ही, जिस दिन ये पैदा होते हैं उसी दिन की डेथ होती है। ये सिमिलरिटी मिलती है विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर से इनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के टू डेज आफ्टर इन्हें होली ट्रिनिटी चर्च, होली ट्रिनिटी चर्च में ब्यूरीड कर दिया जाता है, यहीं पर इनको ब्यूरीड कर दिया। होली ट्रिनिटी चर्च को पहले हम बता चुके हैं, इसे हम पेरिस चर्च भी बोल देते हैं। उसके बाद अब इनका जो लंदन में जो कैरियर की शुरुआत होती है वो एज एन एक्टर, एक्टर के रूप में जो कैरियर की शुरुआत करते हैं तो ये 1500, जैसा कि बताया जाता है इनकी जो कैरियर की जो शुरुआत होती है वो 1585 टू 1591, कहीं कहीं 92 भी मिलेगा, कहीं की कोई कोई किताब 92 देती है। तो ये 1585 टू 1592 या 91 में शुरू होती है और ये जो एक एक्टिंग कंपनी थी जिसका नाम लॉर्ड चैम्बर, लॉर्ड चैम्बरलैन मैन, लॉर्ड चैम्बरलैन जो कंपनी थी इसमें इन्होंने 1594 में ज्वाइन किया था, इसे इन्होंने 1594 में ज्वाइन किया था। और फिर इस कंपनी का नाम किंग जेम्स फर्स्ट ने 1603 में, जब ये राजा बनते हैं तो किंग जेम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद में एक वीडियो डालूंगा उसमें मैं आपको जिक्र दूंगा कि चार्ल्स और किंग्स के बारे में आपको बताऊंगा, तब इसका जिक्र बताऊंगा। तो जब ये जेम्स, किंग जेम्स फर्स्ट 1603 में राजा बनते हैं, किंग बनते हैं, और तब ये इस कंपनी का नाम अपने नाम के ऊपर ही रख देते हैं, किंग्समैन इस कंपनी का नाम, लॉर्ड चैम्बरलैन कंपनी का नाम चेंज हो जाता है। और फ्रेंड्स इसके बाद
जो पंद्रह सौ सत्तानवे में जाकर के में ये परचेज करते न्यू प्लेस। न्यू प्लेस को परचेज करते हैं और यहां पर ये ग्लोब थिएटर की स्थापना करते हैं। ये ग्लोब थिएटर की स्थापना करते हैं और ये जो ग्लोब थिएटर था ये जो है इसे यहां पर इसमें शेक्सपियर की 1/10 भागीदारी थी, 1/10 की। और यहीं पर ब्लैक फेयर थिएटर भी स्थापित किया गया था, ब्लैक फेयर थिएटर, फेयर थिएटर। तो ये पब्लिक थिएटर था और ये प्राइवेट थिएटर था और इन थिएटर्स में जो लास्ट में विलियम शेक्सपियर ने प्ले लिखे थे उन प्लेस को इन्हीं थिएटर्स में स्टेज किया गया था, खेला गया था। और मित्र इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये है कि जो 1597 के बाद अगर फिर इसके बाद 1623 की बात आती है तो 1623 में 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था, फर्स्ट फोलियो। और इस फर्स्ट फोलियो को पब्लिश करने वाले इनके ही कंटेम्पररी या फेलो एक्टर्स थे या उनको फ्रेंड्स इनके कह दीजिए, वो इनके फ्रेंड्स थे सेक्टर साहब के, उनका नाम था जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कंडेल। ये जॉन हेमिंग्स और हेनरी कंडेल दोनों लोगों ने इनके 1623 में फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया जिसमें 36 प्लेस का जिक्र हुआ था। 37 प्ले थे और 36 प्लेस को इन्होंने डिस्क्राइब किया और इसमें और एक प्ले का इसमें जो पेरिकल्स नाम है इसका, पेरिकल्स, इसका सब टाइटल है प्रिंस ऑफ टायर, प्रिंस ऑफ टायर। और पेरिकल्स की बात है, कभी कभार ये पूछ लेते हैं प्रिंस ऑफ टायर है ना, तो सब टाइटल ऑफ प्रिंस ऑफ टायर किसका है, तो पेरिकल्स का है, ध्यान रखेंगे। तो इसे जो है उसमें फर्स्ट फोलियो में डिस्क्राइब नहीं किया गया था। और फ्रेंड्स इसके बाद क्या हुआ, 1590 देखिए कुछ बुक्स 1590 बताती है, इनकी सोनेट का जिक्र कर रहे हैं हम, तो कुछ बुक्स इनको 1590 में जिक्र करती हैं और कुछ 92 बताती है। तो 1590 में इनके सोनेट कंप्लीट होते हैं 154 और इनके 154 सोनेट जो थे वो पब्लिश होते हैं। और फिर इसके बाद 1609 में यही सोनेट्स थॉमस थ्रॉप के द्वारा, थॉमस थ्रॉप के द्वारा पब्लिश किए गए थे और वहां जो पब्लिश हुए थे उसमें टीटी के साइन हुए थे, टीटी केवल दो बार टी बना दी गई थी, तो थॉमस थ्रॉप का नाम था। और इनकी जो पब्लिकेशन जो एग्जैक्ट डेट थी, वैसे तो कहीं 20 मई मिलती है तो 20 मई को कहीं कहीं 30 मई भी दी हुई है, तो अब इसके एग्जैक्ट जैसे रंजीत डॉक्टर रंजीत की बुक में दी हुई है 20 मई और कहीं कहीं कुछ और भी मिलता है, तो 1609 तो कंफर्म है। तो इनको जो है पब्लिश किया गया था थॉमस थ्रॉप के द्वारा। और मित्र फ्रेंड्स इनके जो
वर्क्स हैं, अब इसके बाद मैं इनके वर्क्स और इनके जो लाइफ स्केल के बारे में और वर्क्स का जो डिवाइडेशन किया गया है डब्ल्यू जे लॉन्ग ने किया है और एडवर्ड डॉडेल ने किया है, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको इनके वर्क्स का डिवाइडेशन में आपको समझाऊंगा 4 सेकंड में। थैंक्स टू वॉच माई चैनल।